भाई छोटे बच्चे के लिए कोई कपड़ा दिखाए। जी भाई, हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी के कपड़े पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन भाई इतने पैसे हमारे पास नहीं है, कोई सस्ता सा कपड़ा दिखा दे। ये सूट मेरे बेटे पे काफी अच्छा लगेगा, जब देखेगा ना बहुत खुश हो जाएगा। बस ये ले लेते हैं भाई, ये दे दे। ये ले भाई। कितने का है ये? ये 500 का है। 500? भाई हमारे पास पैसे ज़रा कम है। देखो भाई, इससे कम तो नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी। इससे सस्ता वाला नहीं मिलेगा? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया भाई। भाई आप सूट ले लो, माह रमज़ान का पहला रोज़ा था, आपके बेटे ने कहा था मुझे ईद पर नए कपड़े ला के देना। सूट ले लो वरना उसका दिल टूट जाएगा। भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बेटे की खुशियां खरीद सकूं। मैंने अपने घर का चूल्हा भी जलाना है। आज शाम मैंने अपने घर के लिए राशन लेके जाना है। मैं अपने बेटे के लिए सूट नहीं खरीद सकता। भाई रुकना, बात सुनना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जब आप सूट लेने आए हुए थे ना दुकान पे, मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आपका बेटा जब ये सूट ईद पे पहनेगा मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज़ ले लें। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी ईद आती है ना, ईद के मौका पर हम सब लोग अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि इर्द गिर्द कितने गरीब हैं। हम अपने बच्चों के लिए तीन तीन चार चार सूट ले लेते हैं, वहीं पर अगर एक सूट किसी गरीब के लिए लेकर आएंगे ना तो हम उससे गरीब नहीं हो जाएंगे। कि हम उमरा करने जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, अपना हमसाया तीन दिन से भूखा है, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, हम लोग उमरा करने जा रहे हैं। वाह भाई, इस वीडियो पे एक शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी गरीब की मदद हो सके।